भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर के आप सबके नमस्कार बा, प्रणाम बा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और सभी प्रत्याशी अपन नया नया दाव खेलत हमें, जनता के बीच में जात हमें, अपन बात बतावत हमें और कहत हमें कि हम क्षेत्र के विकास करब। ये समय हम मौजूद बानी सिसवा विधानसभा में और हमारे साथ जौन बा खास बातचीत करे खातिर सिसवा विधानसभा BSP के प्रत्याशी धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया जी बानी। चली बात कर लिहल जा, का मुद्दा बा, का विजन बा, काहे विधायक बनल चाहतनी। बहुत बहुत स्वागत बा राहुल। धन्यवाद। तो तैयारी जोर शोर पे चलता? एकदम पूरा जोर शोर पे बा। ये बताएं हमके का मुद्दा बा, काहे विधायक बनल चाहतनी? भ्रष्टाचार मुक्त सिसवा जी आ लोक का सम्मान जो निकरे पहले जनप्रतिनिधि रहना हमें सम्मान ना कहीं ना क्यों पे। अच्छा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा बा। सबसे बड़ा मुद्दा बा तो तमाम प्रत्याशी ताकि तीन चार धुरंधर बने, आपो राजनीतिक बढ़न धुरंधर मानल जानी, वहाँ BJP के भी कैंडिडेट मौजूदा विधायक बने, सपा से भी पूरा दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री बने, तो कौन तरह टक्कर देव, का तैयारी बाटे? सब बाहरी बा लोग हमारे क्षेत्र में आके लड़ता लोग, टक्कर कौन बात बा? सबके आशीर्वाद बा हमारे साथ है। पूरा क्षेत्र के हमारे बड़े बुजुर्ग माता जे जे बा भाई युवा सब लोग हमसे कहल लड़े के हम लड़त नहीं। सिसवा विधानसभा के लोग काहे आपके वोट दे, पहले ही बताएं। उनका बेटा है भाई, ये लिए वोट दे लोग, और कौन बात बा? अच्छा, सिसवा विधानसभा के अभी तक का समस्या आपके लगता, ताकि कुछ शुरुआत जब कैले हो कब चुनाव में तो कुछ विजन हो दिमाग में चलत हो कि सिसवा के ये स्तर पर विकसित करे के बाद तो कौन तरह का प्लान बा? अब पहले तो भेदभाव मिटावे के बा। हाँ। जौन लोग के बीच में भेदभाव रहते रहे, तू हमार हव, तू हमार नाई हव, तू इनके उठ डाले बड़ो, तू उनके उठ डाले बड़ो, सब हमार हवे। दूसर सड़क के समस्या भी बा, एक दू गो कस्बा बा, ओकर नगर पंचायत बनावे के बा, ताकि वहाँ का और अच्छा से विकास हो, ये सब बात। अच्छा, सिसवा के जब नाम आवला तो एक और नाम आवला, तस्करी के बड़ा खेल होला यहाँ पे। कहे से कि जो तस्करी करावेला, जे तस्करी करावेला वह तो बा इसमें पदवा पे। अच्छा, और का तो ये बताएं, योगी बाबा कहा था मैं कि बुलडोजर 10 तारीख के बाद निकली तो कैसे रोको बुलडोजर बा? योगी बाबा के बुलडोजर 10 मार्च कार बनी तब ना निकली। हाँ। सरकार पता नहीं क्या कर बनी, अभी तो 10 मार्च के पता चली। कैसे रोको बुलडोजर बा, का प्लान कैले बनी, कुछ तो तैयारी हुई? सच्चा आदमी ईमानदार आदमी के ऊपर केहू बुलडोजर ना चला पाई। ऊपर वाला जेकरे साथ रहिए, जो सच्चा आदमी है, उसको नीचे वाले बुलडोजर नहीं चलाएगा। अपन विरोधी के मानते हैं, ताकि राजनीतिक जब बात आवेला तो कहल जाला कि हमार हे पहलवान से टक्कर बा, कोनो पहलवान केहू के पटकनी दे तो धीरू भैया जौन बा के अपन विरोधी मानता है आ के पटकिए, ही बताई। सबके टक्कर हमसे बा, हमार केहू से टक्कर नहीं बा, हमके जनता के पूरा आशीर्वाद बा, आई 10 मार्च के देखब सब गायब रही लो। अच्छा, ये को रोजगार स्तर के यहाँ बड़ा एगो समस्या बा, रोजगार के जब बात आवेला तो यहाँ के युवा जौन बाटे अलग, ताकि जौन शहरी क्षेत्र बा तो विकसित बा, लेकिन जौन ग्रामीण क्षेत्र बा अभी भी युवा रोजगार के अभाव में दूसरे दूसरे प्रदेश में जाके काम करे ने मजबूरन, तो रोजगार स्तर पर आप का सोचते हैं? रोजगार स्तर पर कुछ फैक्ट्री वगैरह सोचते नहीं, कंपनियन के हम यहाँ आमंत्रित करब कि आवे लोग यहाँ पे अपन देखे लोग का कह सके लोग, ऐसे हमारे युवा बाहर ना जी हैं। बाकी भर्ती वगैरह के बारे में युवा का हम बताई, बहुत भर्ती निकले ला फौज वगैरह में, ओकरे विषय में लोग का हम जागरूक करब, जानकारी दे। अच्छा, शिक्षित आप बानी, एगो सवाल शिक्षा पे ले लिया जा, यहाँ पे कोनो टेक्निकल शिक्षा नहीं बाटे, ताकि BA बा, MA बा, बहुत उसे आगे बढ़ जाए तो LLB बाटे, लेकिन टेक्निकल शिक्षा पे का सोचत हैं, अगर विधायक बन के आप आवत हैं तो का करब शिक्षा के क्षेत्र में? टेक्निकल के शिक्षा के बारे में सबसे पहले तो यहाँ वाकई में सिसवा में नहीं बा, वो विषय में जोन भी पाठ्यक्रम हुई हम ओकरे विषय में समझ बूझ के यहाँ ओकरे वही के आकर्षित करब, कहाँ से कि दौर टेक्निकल शिक्षा के ही बा, ऊपर हमार विशेष फोकस रही। एक और मुद्दा उठेला, तहसील, मौजूदा विधायक भी कहत हमें कि तहसील हम बनवाए, का सोचते हैं आप? 5 साल पहले आपके याद हुई, कोनो वीडियो में जरूर हुई, तबो कहले रहना तहसील बनाए, 5 साल बीत गए नहीं बनल तहसील, लेकिन अब फिर हम बनब तो हम बनवाए। 10 मार्च के का हुई? 10 मार्च के देखब का हुई, हमनी के सरकार बनी, जनता हमके अपन पसंद बनाई। मौजूदा विधायक कहत हमें कि ऐसा शॉट मारब गेना बाउंड्री के पार चल जाए, क्या तैयारी बा, कैसे कैच आउट करब की रोकब? अच्छा ठीक बा,
सबके कह लाइसेंस साठ मारब गेंदा बाउंड्री चल जाए बाहर। अभी तो 10 मार्च में पता चली केकर गेंदा के क्लीन बोल्ड भैल हवे आ के छक्का मरल। प्रैक्टिस कैले बानी कि नहीं? हां प्रैक्टिस कैले बानी कि नहीं? यार प्रैक्टिस बा कई साल से प्रैक्टिस करतनी। अब प्रैक्टिस जनता के सेवा बा, पिछले 25 साल से हम प्रैक्टिस करतनी। चलिए आप हमके समय देनी व्यस्त समय बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ धीरेन्द्र प्रताप सिंह भैया जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। अब आने वाला 10 मार्च के तारीख के पता चली के क्लीन बोल्ड हुई या के कैच आउट हुई और केकर गेना बाउंड्री के बाहर जाए।